हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लिंग्स पाकर में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेडिंग रिसेप्शन के ड्रेस आइडियाज़। शादियों में वेडिंग रिसेप्शन के फंक्शन के बहुत सारे इनविटेशन आपको आ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है। अगर आप वेडिंग रिसेप्शन अटेंड कर रही हैं और आप कंफ्यूज हैं कि किस तरीके के जो है आउटफिट्स पहने जाएं वेडिंग रिसेप्शन में, तो फिर इस वीडियो से आपको जो है आइडिया मिल जाएगा दोस्तों। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेडिंग रिसेप्शन के आउटफिट आइडियाज़ जो है मैंने इस वीडियो में डाला है आपके लिए। काफ़ी नए आउटफिट आइडियाज़ हैं दोस्तों। अगर आप कुछ अलग पहनना चाहती हैं तो फिर आप वेलवेट का लहंगा पहन सकती हैं, काफ़ी डिफरेंट लगेगा। या फिर आप जो है इस तरीके का साड़ी गाउन जो आता है वो पहन सकती हैं दोस्तों, वो बहुत नया ट्रेंड चल रहा है। या फिर एम्ब्रॉयडरीड गाउन इस तरीके का हैवी वाला पहन सकती हैं, या फिर इस तरीके का नेट गाउन जो है सिंपल सेक्विन वर्क का साथ जो आता है वो भी आप ट्राई कर सकती हैं। रफल लहंगास बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। इस तरीके के आउटफिट्स जो है आप ऐसी शादियों में पहने जहाँ पे आपके कोई करीबी रिश्तेदार हो, को या फिर जो है आपकी दोस्त की शादी हो, या फिर आपकी बहन की शादी हो, तो ये सारे आउटफिट्स काफ़ी अच्छे लगेंगे, काफ़ी ग्रैंड लगेंगे दोस्तों। आपका लुक जो है बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा, यादगार जो है आपका वेडिंग आउटफिट हो जाएगा। अगर आप इस तरीके के जो है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू डिज़ाइन के आउटफिट्स पहने, अगर आप साड़ी पहनना चाहते हैं दोस्तों तो रफल साड़ी पहने, काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं। अनारकली पहनना चाह रही हैं तो फिर जैकेट की अनारकली ट्राई करें, तो इसमें जो है लुक जो है सिंपल सूट में ही काफ़ी ग्रैंड्योर आ जाता है। अगर आप जो है लहंगा पहनना चाह रही हैं तो फिर उसके ऊपर जो है अनारकली की जैकेट डालें। इस तरीके का स्लिट अनारकली, फ्रंट स्लिट अनारकली जो है काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं दोस्तों। या फिर अगर आप सूट पहनना चाह रही हैं तो फिर फुल ऑन एम्ब्रॉयडरी सूट्स जो है इस तरीके के जो चल रहे हैं। सिंपल साड़ीज़ में ही आप जो है साड़ी सूट्स और जो है लहंगे में आप थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक टच देने की कोशिश करें दोस्तों। इस तरीके की गाउन में जो है नेटेड नेकलाइन डालें, नेकलाइन नेट का डाल लें, या फिर स्लीव नेट की डाल लें एम्ब्रॉयडरीड गाउन्स में, तो काफ़ी खूबसूरत लुक आ जाएगा। या फिर गाउन के साथ लहंगा की पेयरिंग ट्राई करें, वो भी काफ़ी अलग लगेगा। या फिर पीपीएम शॉर्ट कुर्तीज ट्राई करें, उसके साथ लहंगा पेयर करें, वो भी काफ़ी नया लगेगा दोस्तों। या फिर आप अगर आप लहंगा पहन रही हैं तो लॉन्ग कुर्ती सिला लें उसके साथ। इस तरीके की लॉन्ग कुर्ती के लहंगास जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, वो भी आप ट्राई कर सकती हैं। या फिर पिजामी सूट्स जो है इस तरीके के ट्राउजर्स के साथ आजकल चल रहे हैं, वो भी ट्राई कर सकती हैं आप दोस्तों। अगर आप पटियाला सूट पहनना चाहती हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। या फिर डबल स्लिट के इस तरीके के लॉन्ग सूट्स जो है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स जो है आजकल चल रहे हैं दोस्तों सूट्स में और साड़ीज़ में। साड़ीज़ में इस तरीके की मेटालिक साड़ी जो है आजकल ट्रेंड में चल रही है, वो भी आप ट्राई कर सकती हैं दोस्तों। बहुत डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, एलिगेंट लगते हैं ये सारे ट्रेंड्स जो है। केप सूट्स जो है काफ़ी सोफेस्टिकेटेड और मॉडर्न लगता है। इस तरीके का केप गाउन जो है, अगर आप गाउन पहनना चाह रही हैं तो फिर केप ऐड कर लें, तो काफ़ी खूबसूरत और अलग लगेगा आपका जो है आउटफिट पूरा। और जो है आपको दुपट्टा भी जो है कैरी करना नहीं पड़ेगा। या फिर इस तरीके का शरारा सूट जो है आप पहन सकती हैं, या फिर लेयर्ड अनारकलीज वो भी आप ट्राई कर सकती हैं दोस्तों। अगर आप साड़ी जो है हाई नेक ब्लाउज के साथ ट्राई करें, इस तरीके के हाई नेक ब्लाउजेज आजकल काफ़ी एलिगेंट और ट्रेंड में हैं जो दोस्तों, ये काफ़ी एलिगेंट लगते हैं। इस तरीके से जो है आप आउटफिट्स ट्राई कर सकते हैं। या फिर सेक्विन लहंगा अगर आप पहनना चाहती हैं वो भी आप ट्राई कर सकती हैं। फुल ऑन इंडो वेस्टर्न गाउन जो है फ्लेयर वाली, अगर आप दुल्हन की सिस्टर हैं या फिर दूल्हे की सिस्टर हैं, तो फिर इस तरीके के आउटफिट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। दुल्हन की सिस्टर पे जो है ज़्यादा अटेंशन होता है किसी भी साड़ी में, किसी भी वेडिंग में, तो फिर आप अगर दुल्हन की सिस्टर हैं तो ज़्यादा ध्यान दें अपनी वेडिंग रिसेप्शन लुक के ऊपर। वेडिंग रिसेप्शन पे जो है ज़्यादातर मॉडर्न कपड़े पहने जाते हैं दोस्तों, काफ़ी मॉडर्न लुक रखने की कोशिश करें। स्टाइलिंग काफ़ी जो है ट्रेडिशनल आप शादी में रखें और रिसेप्शन में मॉडर्न रखें, तो फिर आपका लुक जो है अलग भी रहेगा और काफ़ी ओकेजन के टू द पॉइंट भी रहेगा। आप अगर जो है शादी में गोल्ड ज्वेलरी पहन रही हैं तो फिर रिसेप्शन में जो है आप डायमंड ज्वेलरी पहनने की कोशिश करें, तो आपका लुक जो है ज़्यादा मॉडर्न और क्लासिक हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया दोस्तों, तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।